हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ अपने स्ट्रक्चरल जियोलॉजी ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज 3 में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और आप अपना फीडबैक देना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों का लाइक और फीडबैक ही मेरे लिए इंस्पिरेशन है। तो चलिए, इस टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। इफ ए फोल्ड प्लेन इज इंक्लाइन विद एन एंगल ऑफ 35 डिग्री, देन द हेड विल बी। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक डेफिनेशन बताना चाहूंगा। व्हाट इज हेड? हेड क्या होता है? वो होता है एंगल बिटवीन फोल्ड प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन। ओके, देन थ्रो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बिटवीन हैंगिंग बॉल एंड फुट वॉल, एंड हीव हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बिटवीन हैंगिंग बॉल एंड द फुट वॉल। तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं -90 -35 डिग्री, क्योंकि 35 डिग्री हमारा क्या है, यहाँ पर फोल्ड प्लेन का एंगल है। ओके, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? C 55 डिग्री। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द स्ट्रक्चरल प्रोसेस इन ग्रुप 1 विद देयर प्रोडक्ट इन ग्रुप 2। तो इसी में अभी यहाँ पर बेसिकली प्रेशर सॉल्यूशन, लेयर पैरेलल एक्सटेंशन, लेयर परपेंडिकुलर शॉर्टनिंग एंड लेयर पैरेलल शॉर्टनिंग दिया है। तो प्रेशर सॉल्यूशन का मैंने अभी क्लीवेज के लेक्चर सीरीज में आप लोगों को बताया था, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। अगर आप लोग इसका मैकेनिज्म भूल गए हैं तो आप फिर से उस लेक्चर को सुनिएगा। तो प्रेशर सॉल्यूशन बेसिकली डेवलप करता है आपका स्टाइलोलाइट। ओके, एंड लेयर पैरेलल एक्सटेंशनल, लेयर पैरेलल एक्सटेंशन आपका शो करता है बुडीनाज को, लेयर परपेंडिकुलर शॉर्टनिंग आपकी बेंडिंग फोल्ड्स को डेवलप करती है, और लेयर पैरेलल शॉर्टनिंग, यहाँ पे परपेंडिकुलर शॉर्टनिंग है तो बेंडिंग फोल्ड डेवलप करेगी, और लेयर पैरेलल शॉर्टनिंग आपकी डेवलप करेगी पिगमेटिक फोल्ड्स को, या जिसको हम टिगमेटिक फोल्ड्स भी बोलते हैं, और ये बेसिकली डेवलप होते हैं मिगमेटाइट्स में। ओके, ये भी आप याद रखिएगा, कई बार ये भी पूछा जाता है कि टिगमेटिक फोल्ड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स किस में है, कि किस तरह की रॉक्स में ये डेवलप होते हैं। तो इसी के साथ चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फोल्ड टाइप इन ग्रुप 1 विद इंटरलिम एंगल। ये इंटरलिम एंगल के बेस पे क्लासिफिकेशन है, और फोल्ड क्लासिफिकेशन में मैंने इसको डिस्क्राइब किया है। ओके, विद द इंटरलिम एंगल्स। तो इसको देखने के लिए मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बता दूँ। टाइट फोल्ड वो फोल्ड होते हैं जिनका एंगल इंटरलिम एंगल 0 से 30 डिग्री होता है। क्लोज फोल्ड वो फोल्ड जिनका एंगल 30 से 70 डिग्री, ओपन फोल्ड 70 से 120 डिग्री, जेंटल फोल्ड 120 से 150 डिग्री, और वो फोल्ड जिनका इंटरलिम एंगल 0 होता है उनको हम सिलिंड्रिकल आइसोक्लाइंस फोल्ड बोलते हैं। ओके, तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो टाइट फोल्ड वो फोल्ड होंगे 0 से 30 डिग्री वाले। ओके, 0 से 30 डिग्री। ओपन फोल्ड वो फोल्ड होंगे 120 से 70 डिग्री। आइसोक्लाइनल फोल्ड 0 डिग्री, एंड क्लोज फोल्ड आपका 70 से 30 डिग्री। ओके, सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एनी टू जॉइंट्स मे बी डिस्क्राइब एज। तो बेसिकली जब दो जॉइंट्स डेवलप होते हैं, तो देखिए यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन बन सकते थे। ये क्वेश्चन हमारा क्लीवेज से रिलेटेड है। अगर वो यहाँ पर आपका स्पेसिंग, अपर्चर, परसिस्टेंस या फिर ओपनिंग के बेस पे क्वेश्चन देता, तो ये क्वेश्चन दूसरी तरीके से डिस्क्राइब होता। बट यहाँ पर उसने दिया है कि क्लीवेज कौन सा डेवलप होगा अगर हमारे दो जॉइंट एक साथ होते हैं। तो दोनों जॉइंट्स में अगर हमारा कोई मूवमेंट होता है, तो जो बीच का फैब्रिक है वो डिस्टोर्टेड हो जाता है अगर उसमें फाइलोसिलिकेट्स हों। तो इस केस में हमारे क्रेनुलेशन टाइप के क्लीवेज डेवलप होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका क्रेनुलेशन क्लीवेजेस। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज When the minimum principal stress σ3 is vertical, the resultant fault is। तो आप लोग याद रखिएगा, ये एंडरसन क्लासिफिकेशन ऑफ फॉल्ट से लिया गया है फॉल्ट। ओके, तो आप लोग एंडरसन क्लासिफिकेशन को फिर से देख सकते हैं, या फिर आप मेरे लेक्चर सीरीज में भी जा सकते हैं जिसमें मैंने नॉर्मल फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट और स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट को डिस्क्राइब किया है बेस ऑन द एंडरसन क्लासिफिकेशन, एज वेल एज द एडजेसेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो भी सब उसमें दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे एंडरसन क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा समझते हैं। तो एंडरसन क्लासिफिकेशन में जब आपका σ3 वर्टिकल हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है, आपके रिवर्स फोल्ड बनते हैं, यानी मिनिमम स्ट्रेस आपका वर्टिकल ही लग रहा है। ओके, और हॉरिजॉन्टल में आपका σ2 एंड σ1 रहते हैं, तो उस केस में हमारे रिवर्स फोल्ड या फिर थ्रस्ट डेवलप होते हैं। तो इसको हम स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन से भी दिखा सकते हैं, कई एग्जाम में स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन से भी इसको दिखाया जाता है। तो अगर आपका σ3 सेंटर में रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप उसको थ्रस्ट या रिवर्स फोल्ड मार्क करेंगे, और अगर σ2 आपका सेंटर में है तो आप उसको स्ट्राइक स्लिप मार्क करेंगे, और अगर σ1 आपका सेंटर में है तो आप उसको नॉर्मल फोल्ड मार्क करेंगे। याद रखिएगा, यहाँ पे हम पोल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन का, दैट इज थ्रस्ट।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस टू स्ट्रेन फॉर ए रॉक इज नाउन एज यंग मॉडुलस। इसका राइट आंसर है यंग मॉडुलस। और इसको आप इनको पूरा देखने के लिए आप लोग इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक में और लैब टेस्टिंग में आप लोग मेरा लेक्चर देख सकते हैं जो कि इंजीनियरिंग जियोलॉजी की प्ले लिस्ट में है। मैं इसका डिस्क्रिप्शन भी मैंने आपको इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रिटल मटेरियल हैव ए लार्ज प्लास्टिक जोन, नो इलास्टिक जोन, नो प्लास्टिक जोन, स्मॉल प्लास्टिक जोन। तो ब्रिटल स्ट्रक्चर या ब्रिटल मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनके ऊपर स्ट्रेस बढ़ाने से वो तुरंत आपका टूट जाते हैं। जैसे कि हम लोग ग्लास का एक एग्जांपल लेते हैं, ग्लास के ऊपर आप स्ट्रेस जैसे ही डालते हैं तो वो तुरंत से टूट जाता है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि इसमें कोई भी आपका इलास्टिक जोन नहीं मिलता है। इलास्टिक जोन वो जोन होता है जब आप स्ट्रेस को रिमूव कर दे तो वो अपनी वापस पोजीशन में चला जाए, इनिशियल पोजीशन में। तो बेसिकली ब्रिटल मटेरियल में आपका इलास्टिक जोन नहीं मिलता है, इसीलिए दिस इज अवर राइट आंसर। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुलियंस आर मेनली पैरेलल टू। तो मुलियंस आपकी बेसिकली हमारी कहाँ बनती है, लिनिएशन में, फोलिएशन में, फोल्ड एक्सिस में या प्लंज ऑफ द फोल्ड। तो इसको बताने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि मुलियंस होता क्या है। मुलियंस हमारी कॉस्पेट एंड ब्लज और लोबेट से फॉर्म होती है जो कि रियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से डेवलप होती हैं। अगर मान लीजिए हमारा रियोलॉजिकल डिफरेंस है, अलग अलग मटेरियल है, तो उसकी वजह से भी डेवलप हो सकता है, प्लस स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से भी हमारी मूलियंस जो है वो डेवलप होती हैं। और बेसिकली ये फोल्ड के एक्सियल प्लेन के पैरेलल ही डेवलप होती हैं। ओके तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज द फोल्ड एक्सिस। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एग्जिबिट मैक्सिमम स्ट्रेन लेवल अमंग द फॉलोइंग्स। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझने के लिए आप लोगों को इंट्रोडक्शन ऑफ हिमालय वाले लेक्चर में जाना पड़ेगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो बेसिकली हमारे जो ये थ्रस्ट है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, जो कि सेपरेट करता है आपका सब हिमालय को लेसर हिमालय से, या जिसको हम कह सकते हैं शिवालिक को और लेसर हिमालय को, ये बना है आपका 22 प्लस माइनस 2 मिलियन ईयर पहले। ओके और इसमें मैक्सिमम स्ट्रेन नहीं मिलता है। देन मेन सेंट्रल थ्रस्ट आपका लेसर हिमालय को हायर हिमालय से सेपरेट करता है। और आपको पता है कि हायर हिमालय हमारा किस लाइन से बना है। तो देन मेन फ्रंटल थ्रस्ट और इसका जो एज है एमसीटी का एज है 20 प्लस माइनस 2 मिलियन ईयर। मेन फ्रंटल थ्रस्ट जो कि सेपरेट करता है शिवालिक को इंडो गैंगटिक प्लेन से, जो कि अभी रिसेंटली चल ही रहा है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेन का जो पैटर्न मिलता है वो हमें मिलता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट के अंदर। तो इसका राइट आंसर है बी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो इसी के साथ मैं ये टेस्ट सीरीज यहीं पर समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को खूब पसंद आएगी। तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना ना भूलिए, शेयर करना ना भूलिए, और कोई भी आप लोगों के पास सजेशन है प्लीज़ आप मुझे दीजिए ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ और ऐसी ही वीडियो बनाता रहूँ। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से आज्ञा चाहूँगा और जल्दी आप लोगों से फिर से मिलूँगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।